बिहार एसबीटी रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, आखिर क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? आखिर कब तक आएगा रिजल्ट? लगातार बहुत सारे बच्चे भर भर के कमेंट कर रहे हैं, इवेन व्हाट्सएप पे मैसेज और कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। कहीं ना कहीं आप बोले थे कि 5 अगस्त से पहले तक रिजल्ट आ जाएगा, आज 4 अगस्त हो गया, आज भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर रिजल्ट कब आएगा? हालांकि आपने और भी यूट्यूब चैनल वालों को देखा जिन्होंने कहा था कि 29-30 को रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या वे भी गलत बोले? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्स के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी के मुताबिक आपको बताया जाता है। लेकिन रिजल्ट न आने की हकीकत यह है कि हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं कहीं ना कहीं एसबीटी आ ही नहीं रहे हैं, बहुत दिनों से लगातार वो एसबीटी ऑफिस नहीं आए हुए हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट पे सिग्नेचर नहीं हो रहा है और रिजल्ट आप सभी का पब्लिश नहीं किया जा रहा है। लगातार एसबीटी जो है वेट कर रही है कि कब मंत्री जी आए ताकि साइनवा एगो कर दे कि आप सभी का रिजल्ट आ जाए, लेकिन मंत्री जी तो आ ही नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों की हर एक प्रक्रिया जो एसबीटी की तरफ से किया जाता है सब करके बैठ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है, तो वो भी हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री साहब का कि जैसे वो आएंगे साइन करेंगे और रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर मंत्री जी कहिया आएंगे ऑफिसवा में कि रिजल्टवा आ जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज भी मंत्री जी ऑफिस नहीं पहुंचे हुए थे, कल है फ्राइडे और फ्राइडे को एसबीटी का मीटिंग होता है, कहीं हो सकता है मे बी कल फ्राइडे को मंत्री जी ऑफिस पहुंच जाए और वहां पे सिग्नेचर कर दे ताकि आप सभी का रिजल्ट को पब्लिश किया जा सके। अगर कल मंत्री जी पहुंच जाते हैं और साइन कर देते हैं तो कल आप सभी का रिजल्ट जो है कंफर्म आ जाएगा। हालांकि मंत्री जी को इससे मतलब ही नहीं है कि बोर्ड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कब साइन करना है कब नहीं करना है, मंत्री जी एकदम बेपरवाह है। भैया आपको बता दें, मंत्री जी आदरणीय माननीय मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के आस में बैठे हुए हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा ताकि आगे की प्रक्रिया पढ़ाई की प्रक्रिया हम चालू करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के कारण रुके हुए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप ऑफिस में पहुंचिए, रिजल्ट पे सिग्नेचर कीजिए ताकि हजारों छात्रों का रिजल्ट ससमय आ जाए और आगे की पढ़ाई की प्रक्रिया को चालू रखे, या फिर कोई जॉब की तैयारी करे, या फिर कोई कहीं जॉब ज्वाइन करे। यही बात है, तो मेन मुद्दा यही था कि मंत्री जी नहीं आ रहे हैं जिसके कारण आप सभी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन आप सब जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे शिक्षक जो है, जो कि बहुत माननीय शिक्षक है, आदरणीय शिक्षक है, उनके वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार आप भी विफल हो गए, सर इस बार आपकी बात भी सही साबित नहीं हुई, भैया सर का बात गलत नहीं था, या फिर जितने लोग बता रहे हैं कोई गलत नहीं बता रहे हैं, सब कहीं ना कहीं उनको अनुमान लग रहा है कि कहीं मंत्री जी आ जाएंगे साइन कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रीय जी नहीं आ रहे हैं तो इसमें हम लोग का क्या दोष है? आप लोग बोलते हैं कि सर सर आप लोग बोलते हैं कि रिजल्ट आएगा लेकिन नहीं आता है, भैया इसमें हम लोग का कोई मतलब दोष नहीं है, मंत्री जी ही नहीं आ रहे हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा? लेकिन कल फ्राइडे है और शायद कल उम्मीद की किरण निकलेगी, हो सकता है कल मीटिंग है एसबीटी का और मंत्री जी पहुंचे और साइन कर दे और आप सभी का रिजल्ट कल देर शाम तक आ जाए। अगर कल नहीं आता है तो मे बी मंडे तक आप सभी का रिजल्ट जो है किसी ना किसी हाल में 100% आ जाएंगे। तो आप पेशेंस रखिए, जैसे मंत्री जाते हैं आप सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार एसबीटी का पल पल की अपडेट सबसे पहले देती है आप सभी को, और इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे जो है अपना पैशंस नहीं खोए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।